हमें आँच धीमी ही रखनी है। हम आँच को अगर तेल में पानी लगे अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का हलवा। ये मैंने सूजी ले ली है एकदम बारीक वाली। ये ड्राई फ्रूट है जो मैंने महीन महीन कट कर ली है। ये चीनी है, ये देसी घी है। हमें देसी ही घी इस्तेमाल करना है इसमें, ना डालडा घी ना तेल। और ये एक गिलास पानी है। चलते हैं हम अपनी कढ़ाई की तरफ। अब हम इसमें घी डालेंगे। अब हम इसमें सूजी डालेंगे। हमें आँच धीमी ही रखनी है। हम आँच को अगर तेज़ करेंगे तो हमारी सूजी जल जाएगी। अब हम इसको धीमे धीमे से चलाते जाएंगे। ये देखिए हमारी सूजी भुन चुकी है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसमें पानी ऐड करेंगे। अब हम इसको पकने देंगे। एक उबाल के बाद हम इसको धीमी आंच कर देंगे। उबाल आ गई है हलवे में हमारे। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। हम इसको धीमी आंच पे पकने देंगे। ये देखिए हमारा हलवा आधे से ज़्यादा पक चुका है। अब हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे और थोड़े हम ऊपर से गार्निश के लिए रख लेंगे। देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है। अब हमारा हलवा बनके रेडी है। अब हम सर्व करते हैं। ये देखिए हमारा हलवा कितना मज़ेदार और लाजवाब लग रहा है। अब हमने इसके लिए पराठे बनाए। हम पराठों के साथ सर्व करेंगे। आप पूरी के साथ भी कर सकते हैं। खाए पिए और खुश रहें। अब मिलते हैं दूसरी रेसिपी के साथ।